आप एक है यो गोठो खास बात कैसे जो यो पूरा गौशाला बनी ये गौशाला खास बात इनकी कि पुराने लोगों ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि भाई एक तरफ गांव रहेगा और एक तरफ गौशाला रहेगी। उम्मीद करते हैं कि जितने भी युवा वर्ग है उनको आगे बढ़ावा दें, रोजगार का साधन उनके लिए जोड़ें, या फिर जो प्राइवेट जो कंपनियाँ हैं जो हम प्राइवेट कंपनी में बाहर के लोगों को बुला रहे हैं उनको हम अपने जो अंदर के व्यक्ति हैं जो अपने घर के अपने अपने स्टेट राज्य स्तर से जुड़े हुए हैं उन लोगों को हम पहले वो दिए। मेरी उलरूजी कुड़ी दादू मी परवा तू को बासी छम छमाले दा। क्या आप जहाँ भी जाओगे आपको इससे बेहतरीन गांव और जगह नहीं दिखेगा। अब कोदा देखो आप लोग औने पौने भाव में लोग बेच दे रहे हैं जबकि उसमें आयरन प्रचुर मात्रा में है, उसको खाने के लिए कोई राजी नहीं है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और एक ना एक दिन आने वाली कुछ सालों बाद 50-100 साल बाद तो फिर पहाड़ों को ही खोदना पड़ेगा क्योंकि प्लेन तो पूरा पट गया है सड़कों से बिल्डिंगों से, तो खेती कहाँ करेगा आदमी। सही बात है भाई, अगर अन्न खाना है तो वो तो फैक्ट्री में पैदा नहीं होगा। गेहूं चावल तो फैक्ट्री में नहीं बन सकता, प्लास्टिक का चावल बनेगा आदमी मरेगा बीमार होगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। दोस्तों आज के इस गांव के खूबसूरत सफरनामे में मैं आपको लेके जा रहा हूं जनपद चमोली के विकास खंड नारायणगढ़ में सबसे खूबसूरत गांव मैदुनी। तो चलिए चलते हैं इस गांव में और देखते हैं यहां की खूबसूरत बातें और यहां की देव संस्कृति को। देख रहे हो भाई कितना खतरनाक रास्ता है, इस तरह यहां से फिसल गए ना तो सीधे नीचे घाटी में जाएंगे और उस तरफ है सामने पे मैदुनी गांव। तो अभी हमें पैदल जाना है यहाँ से, बहुत ही फिसलन भरा रास्ता है। और जहाँ आज आज़ादी के इतने लंबे वर्ष हो गए हैं अभी कई गांव उत्तराखंड के ऐसे हैं जहाँ पैदल ही जाना पड़ता है और इससे गांव के लोगों को बहुत मुश्किलें होती हैं क्योंकि कभी कोई बीमार हो गया या कोई लेडी ऐसा है जिसको प्रसव पीड़ा हो गई है तो उस टाइम पर ये पैदल रास्ते बहुत खलते हैं और इससे बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं मैदुनी गांव में और सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं भाई ये गौशालाएँ हैं। यहाँ के पहाड़ों में ना ऐसी गौशालाएँ बनती हैं और ख़ासतौर पर इन पर देख रहा होगा आप मिट्टी की पुताई की है, ऊपर से ये घास होती है जंगल में इस घास से इनको ढका गया है और कुछ लोगों ने ऊपर ना ये ऊपर देख लूँगा आप लोग पत्थर भी इसमें लगा रखा है। तो यहाँ के आप छैनियों को बहुत बढ़िया से देख सकते हैं भाई, पूरी की पूरी छैनियाँ इस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं। मैदुनी गांव की जो खूबसूरती है ना वो बिल्कुल ही बहुत ही लाजवाब है, एकदम देखते ही बिल्कुल मज़ा आ जाता है। ऐसे बहुत कम गाँव हैं उत्तराखंड में जो इतने खूबसूरत हैं। कल बुखार है क्या? बुखार है बुवा में खांस काल ना। अच्छा 2-3 दिन में दवाई भी नहीं है? ले ऐसे दवा ले। अच्छा तो दवा ले तो फॉर्म नहीं फर्क। अच्छा अच्छा तो ये देखिए भाई ये यहाँ पे ना ये आपको जो दिख रहा है ना ये पूरा का पूरा घरिया है और इसको मैं आपको दिखाऊँ तो इस तरीके से इस पर दाने आपको दिखेंगे, ये देखिए। और ये देखिए सरसों हैं और देखिए कितने बड़े यहाँ पे लगे हुए हैं कुनी के और फिर इनसे जब तेल निकाला जाता है सरसों का जो तेल है घानी का तेल वो इनसे प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाऊं कि सामने पे आप देख रहे होंगे ना नीचे पे आपको दिख रहा होगा तो वहाँ तक रोड बनी हुई है और यहाँ पे अब पुल का काम हो रहा है और फिर इस गांव में सड़क बन के तैयार हो जाएगी। चलिए गाँव के एक दूसरे हिस्से में ले कर मैं आपको चलता हूँ। यहाँ पर चल रहा अभी मकान का काम है और भाई पहाड़ों में अभी भी जो काम होता है वो यहाँ के रॉ मटेरियल से होता है, ख़ासतौर पे जो मिट्टी और पत्थर के जो घर हैं और धीरे धीरे अब तो ईंट भी इस्तेमाल हैं जैसे गांव में ना। जी जी ड्रोन। हाँ ड्रोन तो मिली चु फिर बड़ी मुश्किल से मिलो। अच्छा तो आप लोग लगे चाहिए हमेशा की जी। क्या क्या समस्या? हमेशा तो सब में चाहिए जी। क्या क्या चुप? अभी सड़क जॉइंट नहीं हुई और ये रोजगार का साधन नहीं हुआ
जो लोग गांव में रहन उन के करके रोजगार कन कग ये ढोंग सारना कग लाखड़ सारना कग कुछ सारना तो ये जो रोजगारी दिहाड़ी मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी जी जी बाकी और क्या था। विकास तो ऐसा है कि बोलने के लिए तो सही बोलते हैं, बोलने के लिए तो सब लोग बोल रहे कि हम आप हमारा सपोर्ट करो, हम आपको ये देंगे, ये सुविधाएं लाएंगे, रोड की सुविधा होगी, चाहे पढ़ाई लिखाई होगी, अस्पतालों की व्यवस्था होगी और आपके जो रोजगार है उनको बढ़ावा देंगे। पर ऐसा आज तक तो हमने सब सुना है भाषणबाजियों में, बाकी कुछ तो हुआ नहीं। जैसे हमारे बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में थोड़ा बहुत ही अंतर है, जबकि समय बहुत आगे चला गया। अब वो 75 साल के हैं, हम 20-25 साल के, तो इतना गैप, उस गैप में तो बहुत कुछ बदल जाना चाहिए था जी, जो कि बदलाव नहीं हुआ है। तो ये कुछ हम लोगों की कमी भी है, हम मानते हैं इस चीज़ को, और कुछ जो सरकारी साधनों से जुड़े हुए हैं उनकी कमी भी है। और तो आप क्या बोल चला आप सरकार ते या सरकार ते अब हमारा जो युवा पीढ़ी से गाँव में बेरोजगार चाहते तो बेरोजगार बेरोजगारों को हम क्या बोलते हैं कि देखो पढ़ाई, हम खुद अपनी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, खुद एम ए का ग्रेजुएट मैं भी हूँ, एम ए कर चुका हूँ मैं भी। और जब सरकारों ने हमारा कोई साथ नहीं दिया, हमने हर चीज़ से प्रयास किया, आप देख ही रहे होंगे 2-3 बार हर जगह के मतलब जो टेस्ट हुए, टेस्टों में विज्ञप्तियाँ निकली, पेपर भी हुए, पेपर लीक हुए, कोई रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आने का मतलब यह है कि वो पैसा तो सरकार जो पब्लिक का था वो तो ख़त्म हो गया, पर उनको उस हिसाब का वो नहीं मिला, मतलब ना तो आगे कोई जॉब मिली ना तो कुछ मिला, सब कुछ ख़त्म हो गया। और बाकी ये है कि सरकार जो भी बनेगी, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, कोई भी पार्टी हो, सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी युवा वर्ग है उनको आगे बढ़ावा दें, रोज़गार का साधन उनके लिए जोड़ें, या फिर जो प्राइवेट जो कंपनियां हैं, जो हम प्राइवेट कंपनी में बाहर के लोगों को बुला रहे हैं, उनको हम अपने जो अंदर के व्यक्ति हैं, जो अपने घर के अपने राज्य अपने स्टेट राज्य स्तर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को हम पहले वो दिए, पहले मतलब उनको पहला मौका दें। और बाकी यह है कि सरकार तो अपने हिसाब से ही चलेगी, भले हम मानते हैं कि हम लोग यहाँ पे इस स्तर पे देख रहे हैं, सरकार को पूरा बड़ा स्तर देखना है, हम तो अपना स्तर बता रहे हैं कि हमारा स्तर यहाँ नीचे चल रहा है, पर सरकार को हर किसी के बारे में सोचना है। और हम ये भी चाहते हैं कि हम सिर्फ हमारा ही भला ना हो, हर किसी का भला हो, भले कम हो पर थोड़ा थोड़ा हर किसी को लाभ मिलना चाहिए, आगे उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। बता दूं मेरी उलरू जी कुड़ी, दादू मी परवा तू को बासी, छम छमाले दादू मेरी उलरू जी कुड़ी, दादू मी परवा तू को बासी, छम छमाले छायो मी बाजी को पियारो, छायो मी माजी का लाडूलो, छायो मी बाजी को पियारो, छायो मी माजी का लाडूलो, छो मेरा गाला को हासुलो, दादू रे बाजी को बेडूलो, छम छमाले दादू मेरी उलरू जी कुड़ी, दादू मी परवा तू को वासी, दादू में निरासलियों का बीच बैठी की बांसुली बाजेने, दादू मैंने चैर की चूला क्यों चल खादा हूँ चूला देखे नी, छम छमाले दादू मेरी उलरू जी कुड़ी, दादू मी परवा तू को वासी, दादू मैंने मारू की रुणाट, दादू रे कोथी का को थाल, दादू रे पोतली दिखेन, लेनो मिल रे समीरू मा
माले दादो मेरे ओल्या रोजी कोड़ी दादो मी परवा तू कवासी छम छमाले। मकान तो भाई बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा कति टाइम हुआ ये मकान, कुछ पता है आपने? सन हाँ 1962। अच्छा ये लिखा तो है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल 1962 में। अच्छा बहुत बढ़िया यार, गजब। चलो भाजी लगे रहो तुम। गांव में अधिकतर अब शादी ब्याह का टाइम है ना, अप्रैल का महीना चल रहा है, गड़े में हम बोलो तो बैसा गाँव में शुरू होने बहुत चेता के बाद, तब लोग ब्याह बुक तैयारी करने और रंग रूंग पुताई काम होने। और ये साइड में आपको बताने की भाई, जो पुराने मकान थे ना, तो यो अब खुल के एक जो हिस्सा था ना, वो नया मकान यख में बने। और यख में अभी लैंड ट्रे तैयारी होनी। और ये दिखला आप लोग पूरा मैदुनी गांव, बहुत खूबसूरत गांव च। और धीरे धीरे लोग अब नए नए पटाल वाले मकान छोड़ के ना अब लैंड ट्रे मकान बने। तो अभी हम वख में पहुंची कि जख्मो पहली प्रधान जी मकान जी जब प्रधानचारी हुई ना पुराने टाइम पे। और अभी यख में आप देख ना, तो ये संगाड़ा आप देखने से, ये संगाड़ ना जो बड़ी बड़ी खोईक आपते देखने से ना अभी तक, वो खोईक अब लोग इनके ना साइड में रख देना, ये बहुत गलत बात है छेंज भाई। पुराना मकान प्रधान जी मकान से जब गाँव में प्रधान जी रन हो ना, तो वे वो टाइम है मकान से। अब तो मैं लोगों ने शायद ये मकान पे अब तो फिलहाल यख में कोई रन नहीं। और ये खूबसूरत बात आप देखो मैं, इतनी कितनी बढ़िया काम, ये देखा इस तरीके से इतने काम हुए। यो मैं थोड़ा नया डिजाइन दिखा आज तक, पहली बार है ना, पहली बार यो दूसरा डिजाइन दिख मिला। जिस डिजाइन पर आप एक मो एक नई चीज दिखनी हुई। और ये जो भाई पुरानी टाइप है मकान, तो अब तो ये मकान सब क्या हुई। और ये देखा भाई आपते पूरा, मैं आपते हैं आजकल ये हमने गाँव की श्रृंखला में लेके जाए ना, जहाँ पूरा का पूरा खोई हुआ मकान, या ये कहें कि पूरा जो पुराने टाइप का मकान है ना, वो आपते हैं एक दिखे ली। नमस्ते दीदी जी, और सब बढ़िया जी, क्या क्या होने हो? एगिरी तो बड़ी रमाई की उल्या मुल्या मासा लगा कि दो कि चेता गा मासा मगा कि डिबेल फूलिगी भय पिंगली पिंलोड़ी रमाई कि कनल फूलिगी रमाई कि वश्यत समया भूलो कि पणा पड़ा खुलो मगा शत समया फूलो कि धारो ढनो मागा फूलो कि भंकरिया भूरिया सरमा कि नो मैनो मासा मगा कि मैनी ना पिया भयो दो ऋतु बड़ी ऐ जनी कि मनख बड़ी न्योनो रमाई कि गलमली पातलो मग न्यलण्यो बासनी रमाई दो न्यलण्यो बासनी रमाई घुगुत घुरनी होली दो कि ये चेता गा मासा मगा कि खुदेरी बागतरनी कोरी तो पियारा भूलो कि बसंत ऋतु रमाई कि भगवानो गो भाई रमा पके लेगा होलो दो दिरण्य जी ठण्य रमा कि अलुपे छाना रमा कि निर्भगी धिया रमा कि बाटो चाई चाई रही
किनी तर छोड़नी बेणाई जानोनी चा सुनो मैं तो नाराज ना हुए तुम। अभी हम मैदुनी गांव में पहुँचे हैं और कुछ लोग ना ये दिनों लगभग 4 बजे टाइम से अभी 3:30 बजे होने ना तो लोग सही सिया होल तब तिवारी मैंने ना मोण भैर गढ़ के दिखने हम ते कोको बढ़िया सादा बुरी बगा तो जी आ बोल तो बोल मत बुर जी और कति हुए आप उम्र मता हुए बोल तो 100 साल हुए तो हुए बोल तो चलो बॉडी दे बात कर। बॉडी जी प्रणाम प्रणाम करना था। आप बहुत बड़े बड़े रखे हैं तू जो 3-3 करना रखे हैं को जाने आज घास घोस जल्दी हमर बैठा के बैठे तन कति भैंस ने बॉडी दी आइया निकले आप 5 होने दी बवा दी दी भैंस दे बाबा आ घास को प्रणाम दी प्रणाम मेरे को बहुत दी भैं भी आ दी भैंस ने घास को काटन खेती दें दियानी ना ना घास को काटन तुम ते आप काटन दिया मेरे को काटन बे तुम खुद काटन खुद काटन में और आप बच्चे लोग बारी ककरन यो नन भी उड़े यो जी यो भी वाला वो हम से अलग होएगा अब वो आज यो भी वाई गनी अच्छा वो बालक ने कति साल हो आप आज छोट बोज भई वो छोट नहीं 27 वर्ष पूर होना जी तो बेरे ढूंढ नहीं पाल का ढूंढन बाबा ना बाबा फना बे बेकन में का जानो हम बे ढूंढो मी लो से फोन पे कने बे लो से फोन पे देख ये पूछना लो अपना फोन पे का बेरे नहीं मिलने आते बेरे नहीं मिलने आ मी न तबे ढूंढ जा के ढूंढन तो उन्होंने कर बाल का बात चीत करी हो जो कई लड़की थे भई ने कौन हो के 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 बेटी मां तू इट फोन आप पसंद है मैं पसंद ना लियो आप पसंद है लियो आ तो क्या करनी तो तुम भी ढूंढा तो कहीं मिल जाए आज जोन में भी कहे जे गए जाए ला आप भी जन्म पत्री पकड़ा रहे सब गांव में घूम के मजा आन पड़ा लगन में जी जी और बॉडी और के होने गांव पर आजकल हां कुछ भले होने बवा सेट बूती का बस घास बांधे होने आ जा लाख लेना 5 लेना पत्ते लेना बहुत अबे अब भैंस दूध भी देन भैंस दूध भी देन तो दूध भैंस कन के पावन बॉडी आप यो यो को लोड भी धरी मी गोर अब दूध भैंस भी धरी तुम बना योगा कन का पालन बाबा बहुत कर्मठ छ अबे उम्र कति छबी भी मी 60 से भी उग गए फला तो क्या खाई छ बाबू जमानो गो जो आप दूध भैंस धरे तुमा ये बुटन बाग हम आज भी वही खान जा वो दिन भी वही खान क्या खाएं हम बता रहा सन आज भी ने खाना वो दिन मैंने खान जो बाजार वाली ना वो सर का राशन मैंने वो भैंस को खवा देना जी अपन दिया कोद हम जेई मिल वही खा देना अभी वही खाना आप तभी आप बिल्कुल टकाटक रहे हैं भाई मजबूत एकदम है ना चलो ठीक बॉडी है आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई हमते कि हमारा गढ़वाल में अभी भी आप जन बुजुर्ग जो जन पूरा पहाड़ की संस्कृति बचाई आप अभी अभी वही नहीं तो तथा मोनी तो ऐसा तो सब कुछ थमने पड़ा ला जी जी हो चलो बॉडी आप लड़ो अभी हो चलो हम ढूंढो जी कहीं नहीं तो जी चलिए भाई आपको फली दिखाते हैं पूरे गांव में सब्जियां बहुत बढ़िया हो रही हैं मटर फली यहाँ इतनी ज़्यादा है कि क्या कहें तारीफ करूँ तो उतना कम ही कम होगा देख रहे हो आप लोग नमस्कारम 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 नमस्कार नमस्कार सब बढ़िया से स्वास्थ्य शरीर क्या क्या होने क्या होने हमने बोला आज हम आप गांव में झूल घूम घाम झूल बहुत बढ़िया बहुत बहुत दिन बिटिन सालों बिटिन आप बीच हम आए नीचे आप लोगों में बढ़िया गेम चलो ये सिर्फ के लग रहा टाइम पास आ बसता अच्छा इमा पैसे पुसे भी लगने हैं यार खाली मनोरंजन पैसा वाला नहीं भैया सब गरीब आदमी हम बूढ़े आदमी मनोरंजन परिवार ला भाग ला मौजूद माता भी 84-85 तक 80-85 जी और कति लोग अभी भैर रन एक बटन भैर करीब 35-36 तक 35-36 परिवार भैर रहे 35-36 परिवार भैर रहे जी और गांव में इति लोग रन तो आप गांव की सबसे खूबसूरत बात क्या लगे आपते हैं जो आप भी आज भी पहाड़ों में बसे हैं आप लोग खूबसूरत बात क्या सब खूबसूरत जो कुछ आप गांव का रिवाज के पहले जी जो पुराने रिवाज था सब वही लगन और आप गांव में जो देवता लोग क्या देवता देवता तो हमारा मेन हुए खरालिंग महादेव बाकी आप कुनेर देवता जैसे भैरव स्वामी है नरसिंह देवता से गोरिल्ला से अंजू अंजू जी हाँ। अच्छा और आप कौन जी तो आप यू माइका से ससुराल से माइका ससुराल का क्या पाओ कानफ्रैक साइड कख कपिरी अच्छा कपिरी से जी जी तो आप बताओ आप ये गांव में बहुत टाइम बिटन रहे मतलब आप ये मूल गांव से तो आप ये गांव की सबसे खूबसूरत बात क्या लगे आपते हैं बढ़िया तो आपू गाँव लगन मुल्क लगन आप भाषा लागे नी और आप गाँव ला लागे कति बच्चा चाहे स्कूल में स्कूल में 22 प्राइमरी स्कूल में और टीचर कति चाहे टीचर दी दुई टीचर चाहे
और बाकी हाई स्कूल और जूनियर में कक जाने का बच्चा गणकोट स्कूल कति दूर छ कपटिन 2 किलोमीटर गणकोट 2 किलोमीटर जी 3 किलोमीटर आप गांव की समस्या क्या लगना आते हैं स्कूल नहीं बहुत दूर है ना जरा स्कूल इंटर कॉलेज जरा दूर अब हर गांव में इंटर खुला रहा तो बच्चा तो रल नहीं तो फिर स्कूल बंद नहीं हो गया दूर है ना या 2-3 किलोमीटर दूर गाँव में तो तब भी छेच न ला तब भी छेच की उतके भेर हल उतके गाँव माहौल कि मैं आपको बहुत खूबसूरत चीज दिखाऊंगा हर घर की वाह और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ एक बहुत बढ़िया चीज थी ये देखिए कितने खूबसूरत घर हैं और इनके घर में भी कोई है नहीं यहाँ पे लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाऊँ ये इसको बताऊँ क्या बोलते हैं बताइए आप लोग ये डांडू में होता है और खास तौर पे भाई इसकी सब्जी बनती है पूरे बुग्यालों में मिलता है ये कड़वा होने रही सब्जी बिन बहुत खूबसूरत चीज है ये वाला देखिए चंद्र ना चंद्रवन एक है चंद्र वो दीदी जी बताए हमें ये चंद्रवन मैं भूली ना और खुलियाँ तो भाई इस गांव की इतनी खूबसूरत है ना कि आप जहां भी जाओगे आपको इससे बेहतरीन गाँव और जगह नहीं दिखेगा और कंचा आप लोग स्वास्थ्य शरीर नमस्कार आपते हैं क्या क्या होने घर पर क्या होने कुछ ही नहीं होने अच्छा कती बच्चा लोग तीन में कक्का करनो यो नासिक रूम छोट वाला अच्छा नासिक का मजू वो होटल में अच्छा और हाँ बड़ा वो घर रन वो बाखर अच्छा कती बाखर रखे आप कती धरे आप जैसे धरे और 20-25 की अच्छा वो पौर कतरे मोई ची बाखर अच्छा अच्छा और कती लड़कों भी हो बाजार में भी लेने से जी होगी अच्छा बड़ा पंगड़ हल जाए छोटा पंगड़ हल 3-4 बुरी हो जाए होने वाला हर साल आपा कति हुन आपा त का हुना सिमंडा खडी पे हुना मा माता भाई बांडली 2-3 कति रस्ते का हुनता अच्छा अच्छा और सेट कति हुन सेट भी हुने हो जानी जन की 2-3 कुंडल 4-5 कुंडल तक हुने हो सेट भी आप लोग गांव में रोजगार और के काम करना आप रोजगार कक कक बटन मिलन आपते का का बे मिलनो कभी रोजगार मिलनो तो कभी नहीं मिलनो तो का बे अच्छा दिहाड़ी मजदूरी अच्छा जिन सो मकानो बणी आ त ढोंगा आप ही सारन खुद की अच्छा ये ठीक सब्जी आप ही सारन अच्छा चलो ठीक तब है दोनों गांव की सबसे खूबसूरत बात यह है ना यहाँ पे एक से बढ़कर एक पुराने शैली के घर बने हुए हैं और इन घरों को देख के ना आनंद आ जा रहा है एकदम मज़ा आ रहा है ये देख रहे हो आप लोग चारों तरफ आपको जितने भी घर दिखेंगे ना सब पुरानी शैली के घर दिखेंगे अब ऐसा है भाई पुराने जो हमारे नए घर हैं ना वो ईंट के भी बन रहे हैं गाँव में ये देख रहे होंगे आप लोग तो ईंट के घर भी अब गाँव में बनने शुरू हो चुके हैं आजकल बोल घर डाना साठ सूट बोती का और बच्चा लोग का दिचा पाल 3 बच्चा अच्छा अच्छा लड़कियों 2 लड़कियों भी आओ है लड़का भी देश पर ना तो आओ घर और अच्छा ककरन बालक आप हो कतार कतर कतर अच्छा अच्छा समझा तो बहुत कुछ जा गाड़ी नहीं मोर बारी सिलेंडर लोगों में बोका मांगना तो अब रोड पे काम होने से आप हो काम तो चलो कब तक पहुंचे फिर वो अब तो साल भर रिलैक्स था ना 6 महीने रिलैक्स था पुलो काम चल रहा है अच्छा अच्छा मेरा मादोनी आया मादासिया मेरा मादोनी आया मादासिया मेरा मादोनी आया मादासिया मेरा मादोनी आया मादासिया लगन होने कन्हला कन्हला मादासिया कन्हला कन्हला मादासिया।
सबसे पहले तो गुरुजी आपका और रेवार चैनल के माध्यम से जो आप लोग गांव-गांव की रीति रिवाज, गांव-गांव की संस्कृति और कला विभिन्न माध्यमों से अपने माध्यम से पूरा सोशल मीडिया पर दिखाना चाहें वे वास्ता आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग यहाँ आए हमारे ग्राम सभा मैदुनी में वे वास्ता भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिथे अभी वर्तमान में ये ग्राम प्रधान बने को हमारे 5वां साल लगभग प्रगति पर से, इससे पहले 2008 से और 2013 का बीच भी मैं प्रधान गांव वालों के आशीर्वाद से और अपना देवी देवताओं की कृपा से, उससे पहले भी मैं 5 साल कार्यकाल करने का यहाँ पर मौका मिल और फिर ये दोबारा वर्तमान में हम मेरे कार्यकाल अभी चलने लगे जी। तो बहुत बहुत बधाई भी चाहते हैं कि आप 2 बार गांव के प्रधान रही और आप ग्राम सभा मैदुनी से आए, मैदुनी दे और कोई गाँव बीच ना? हमारे ग्राम सभा सिर्फ और सिर्फ मैदुनी से और ये ग्राम सभा की एक खासियत की एक केवल ठाकुर जाति का लोग रहने, बाकी ब्राह्मण एससी एसटी वगैरह एक अच्छा और कोई जाति नहीं रहना। अच्छा अच्छा, तो आप गाँव में जो सामान्य जाति के लोग तो वो क्या क्या जाति के लोग भी जन क्या क्या कास्ट? हमारे एक रावत लोग थे जी, नेगी और कुछ परिवार 8-10 परिवार बिस्ट लोग भी। अच्छा, तो आपके गाँव की आबादी कति वर्तमान में? वर्तमान में अगर टोटल आबादी अगर जो लोग भैर बीच अगर उन सम्मिलित कर तो 450 लगभग से, कुल परिवार 136 लगभग से गांव में। अच्छा, लेकिन वर्तमान में 88 परिवार एट टाइम घर में, टाइम प्रेजेंट बाकी 36 परिवार इन की जो पलायन एक बार दूर से पलायन बची गए। हाँ, कोई अस्थायी पलायन पर छन, कोई आते जाते रहन, मतलब कोई इन की जो आप परिवार नीचे पर वो आते, मतलब वो मकान नीचे जगह जाए से वो नौकरी करना वैसे जाए या बच्चों पढ़ने जाए जी, लेकिन वो आते जाते रहने। अच्छा, तो आप लगभग दो बार आप प्रधान रहे पिछले 10 साल ये मान के चलो हम मोटा मोटा, तो इन 10 सालों में गांव की बहुत सारी समस्याएं आप फेस करी हुई ली और उन्होंने क्या क्या समाधान आप निकाली? अब गांव की समस्या तो देखो साहब, ये तो विकास है, एक सतत प्रक्रिया, अनंत, ये तो संभावनाएं तो अनंत हैं जी। लेकिन जब हम आज से 10-15 साल पहली बात अगर कर दो तो हमारे एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि रोड कनेक्टिविटी मेंग दर से ऊपर नहीं है। तो सब क्षेत्र लोग क्षेत्र का प्रयास से, सभी जनप्रतिनिधि लोगों के प्रयास से आज लगभग जो है आपन देख रहे कि मेंग दर कि दोनों साइड बड़े हमारे क्षेत्र में रोड आ गई जी। और वो टाइम पे कती पैदल से वो टाइम पे मेंग दर से टोटल पैदल से नहीं कती किलोमीटर होल ये मेंग दर पे, मतलब मेंग दर से बड़ी कि खैनोली और मैदुनी सबसे दूरस्थ गांव, मतलब पैदल 6-7 किलोमीटर लगभग। अच्छा जी जी, गलकोट हो कहाँ जी ना, गलकोट वो टाइम पे गलकोट सेंटर जी, तो सब गाँव का इलाका अगर पूरा पैदल और बट हुई जाए। अब जो रोड जगह जगह डिवाइड हुई, एक रोड जे रोड है बट आप आहोल तो सामने वो रोड स्कूल है तो तीन मूल तक आए खैनोली तक। हाँ, खैनोली तक ये अब ये आप देख रहे हो कि यहाँ एक पुल पर काम लगे से जी। अब ये पुल बन जाए तो वे बाद गाड़ी सीधा हमारे इलाका में आ जाए। आप बहुत सारा क्षेत्र में आप काम करी फिली जी जी, जी। और जो गाँव में आज यदि गाँव में अधिकतर जो पलायन होने तो कुछ ना कुछ समस्याएं गाँव की बनी रही? समस्याएं तो गाँव में तो समस्या हमेशा बहुत से जी। मेन पलायन का कारण क्या है? पलायन का कारण क्या की स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा, क्यों तीन बड़ा मुद्दा? ये तीन सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या की सरकारी की पलायन ऊपर कोई ठोस नीति नहीं जी। जो बड़े बड़े मंच में भाषणबाजी तो बहुत हूँ, नीति भी बहुत बड़े दिन, नाटक भी बहुत हूँ ये कि भाई पलायन नहीं हो, लेकिन जो आदमी संपन्न आर्थिक तौर पर जो संपन्न हुए अगर वो या शिक्षा नहीं मिलनी बढ़िया वही बच्चों, या स्वास्थ्य कोई व्यवस्था नहीं, या सड़क कनेक्टिविटी नहीं, तो वो हम रोक भी नहीं सकता। वो तो जाले जाले बात वे पिछड़ने फिर वे गांव में रहे मन भी नहीं जी। फिर वही कारण गांव में जो विकास नहीं हो, क्योंकि संपन्न लोग अगर भैर चले तो गांव विकास करने का हो जी, सबसे मेन बात, सबसे मेन बात। और गरीब आदमी तो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, गरीब आदमी तो इतनी जल्दी कोई सुने भी नहीं जी। संपन्न लोग रहा, पावरफुल लोग रहा, कोई कर्नल रहा, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल गांव में रहा, शिक्षक लोग गांव में रहा, या अच्छा अच्छा पदों पे जो लोग सरकारी विभागों में रिटायर हुए वो गांव में रहा जी। तो वो एक भी ना एक सकारात्मक पहलू भी रहना, क्यों यदि गांव में रहा तो जन आपको मकानों का काम लगा, आपको कोई काम कर, तो वो भी नहीं थोड़ा जो गांव में जो बेरोजगार गरीब तबका उन्हें रोजगार मिले। हाँ, वो भी उनसे रोजगार मिला, अब उनको उन्हें रोजगार मिले, फिर गाँव आर्थिक बढ़े, बिल्कुल गाँव संपन्न हो जी। और जब गांव कोई विशेष मांग हो तो आर्थिक रूप में प्रभावशाली या पद के अनुसार प्रभावशाली लोग गांव में रहा,
तो सरकार जल्दी सुने, आप तो पर क्षेत्र में जाना सब जगह ये समस्या से। जी क्योंकि हम लगभग कई चमोली जनपद का लगभग आधा गांव हम घूमेल, तो हर गांव की कहीं ना कहीं कोई बहुत समस्या है। फिर इन जगह लोग लोगों के मन में ये भावना थी कि भाई हम प्रधान चुने तो शायद सब काम प्रधान का हाथ पर, लेकिन जबकि इन बात नहीं भाई हमारा दायरे से ब्लॉक तक आप देख कि बी डी सी के माध्यम से कई बातों पर चर्चा हूँ कि भाई फलाने स्कूल में मास्टर नहीं, फलाने स्कूल में प्रिंसिपल नहीं, और फलाने जगह जो है तो तहसील में तहसीलदार नहीं, तो वो जो संबंधित विभाग का कर्मचारी एक रटा है जवाब रहा कि भाई ये तो शासन असर मामला ये हम कुछ नहीं कर सकते जो तो, हमेशा से जो हमेशा से एक ही उत्तर जो ना कि भाई ये तो शासन असर मामला है ये हम कुछ नहीं कर सकते। जी तो अभी जो लोकसभा चुनाव हमारे बिल्कुल सामने से जी, तो लोकसभा चुनाव पर आप क्या चाल सरकार से और के प्रत्याशित हैं आप अपू वोट दल? देखिए इन चाहिए हम आप कुछ नहीं चाहें भाई, हम तो ये चाहें कि सार्वजनिक हित की बात हो, जो अगर प्रत्येक गांव की अलग अलग समस्या और अलग अलग भौगोलिक संरचना, सबसे ज़्यादा अगर गांव स्तर पर बात करी जाओ तो सबसे ज़्यादा परेशानी से ये जंगली जानवरों खासकर बंदरों और ये सुंगरों से फसलों का नुकसान। हम इतनी मेहनत करना छन, हॉल लगाना छन, बीज बुतना छन, मॉल वे में गोबर डालना छन, निराई गुड़ाई करना छन, लेकिन वे के बावजूद भी क्या बंदर कुछ नहीं होने, मतलब वे 50% से 80% नुकसान बंदर ख़त्म कर देना छन। कई बार हम पत्रकार माध्यम से या बीडीसी में कई बार चर्चा हुई कि भाई कृषि कृषि विभाग को हम कृषि विभाग को लिखा हम कि भाई आप लोग तार बाड़ बना दो, जो हमारा जंगल ही रहे वे पूरा तार बाड़ से कवर कर दो। अब वो भी इन बोलना चाहिए कि भाई हम बजट नहीं भाई, वो मान लीजिए कि नारायण बिहार में 79 ग्राम पंचायत, तो वो बोला कि 79 ग्राम पंचायत एक साथ बजट तो ऑल नहीं भाई, हम सीमित संसाधन वो बोलना, वो उनका ये कहना है कि हमारे पास सीमित संसाधन है। अगर मांग अगर मान जाए कि 1 करोड़ की है तो सरकार उनको दे रही है 10-15 लाख रुपए, उसमें भी वो ये बोल रहे हैं कि भाई आप ऐसा है कि आप प्रस्ताव दे दो, उसके बाद हम लोग देखने आएंगे अगर टोटल आपका कितना किलोमीटर आच्छादित करना है, 1-2 किलोमीटर जो भी है उसका 10% आप जो है अंशदान के रूप में विभाग में जमा कराओ। अब गाँव में दिक्कत यह है कि हमने गाँव वालों से वो बात भी की, अब गाँव वालों का ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई हमारे उस एरिया में तो हमारा कोई कह रहा हमारी खेती नहीं है, कोई कह रहा हमारा वहाँ एक टुकड़ा भी नहीं है, तो हम क्यों पैसे दें? तो इसके लिए तो ये तो गांव अगर जंगली जानवरों से बचाना है तो गांव वालों को सहमत होना पड़ेगा, जो विभाग का अपना नियम है अगर 10% अगर मान लीजिए कि 5 लाख का बजट बैठता है तो 50,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी लोग उसको तैयार नहीं है मानने के लिए। अच्छा ये है गांव स्तर की समस्या, और सबसे बड़ी समस्या जो है तो अगर मैं बड़े क्षेत्र की बात करूँ तो आज भी जो है बेसिक जो आवश्यकता है नारायणगढ़ में हमारा एकमात्र वो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन वो उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में न तो एक्सरे की कोई व्यवस्था है न अल्ट्रासाउंड की कोई व्यवस्था है, वो केवल क्या है कि अगर कोई अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करना है तो आप जो है या तो रुद्रप्रयाग जाओ या तो आप श्रीनगर जाइए, वैसे तो कोई बात नहीं जी। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या क्या है कि लगभग नारायणगढ़ के अंदर 7 या 8 इंटर कॉलेज है मेरे ख्याल से, उन इंटर कॉलेजों में कहीं भी फुल फ्लैश प्रिंसिपल नहीं है जी, जबकि शिक्षा सबसे सर्वोपरि है भाई, शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और जहाँ शिक्षा की बात करूँ तो अगर शिक्षा का मेन बॉस वहाँ नहीं है, प्रधानाचार्य नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, तो आप लगा सकते हैं कि स्कूल कैसा चलता होगा। फिर स्टाफ नहीं कई फिर कई जगहों स्टाफ नहीं है, बिल्डिंग नहीं है और मेन चाहे कि स्टाफ नहीं है, और स्टाफ के लिए मैं आपको बोलूँगा कि जब हम बी डी सी के माध्यम से उस पर कोई भी प्रधान माननीय सदस्यगण वहाँ चर्चा करते हैं तो एक ही रटा जवाब होता है कि ये तो शासन स्तर का मामला, हम कुछ नहीं कर सकते। आप गाँव में स्कूल की क्या व्यवस्था जो स्कूल की व्यवस्था हमारी प्राथमिकता केवल। अच्छा कति बच्चा पढ़ाना पा गाँव में वर्तमान में? अभी जो सत्र खत्म है वो मत हमारे प्राइमरी में 22 से 23 बच्चे, अब कुछ बच्चा 5 पास करके चले, अब रहे वो 18 बच्चा। अच्छा और स्टाफ कति चक स्कूल में? स्टाफ तो पर्याप्त बच्चों संख्या हिसाब से पर्याप्त दो स्टाफ चौक। अच्छा और एक SMC द्वारा गाँव की व्यवस्था? गाँव की व्यवस्था एक बालिका। अच्छा और फिर आप यख अगर जो बच्चा चाहे हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल और इंटर में कक कक पढ़ानो? अब 5वीं तक यो उत्तीर्ण करना बाद इंटर कॉलेज गढ़कोट। अच्छा 6वीं से लेकर के और 12वीं तक जो है वहाँ दूर वहीं से बच्चे जो हैं पास करते थे, और उसके बाद अब तो नारायणगढ़ में भी डिग्री कॉलेज खुल गया है पंथी में हमारे नज़दीक मिंगदर में, तो अब कुछ लोग जो जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक है वो कण प्यार रहते हैं, कोई गोपेश्वर रख रहा है, और बाकी जिनके पास वैसे साधन नहीं है तो वो अब यहीं पढ़ा रहे हैं मिंगदर में जी।
और अब ते आप ते क्या लगन की गांव में क्या क्या समस्या आज भी बनी साहब गांव में? गांव में सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार अगर कृषि को व्यवस्थित कर दे, मेन फोकस कृषि पे होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मेन फोकस जो है कृषि पे होना चाहिए। भाई कृषि रहेगी तो आदमी का जीवन यापन आसानी से होगा, क्योंकि उस प्रकार से मेरे ख्याल से नौकरियां तो है नहीं। अंततोगत्वा आदमी को अगर जीवित रहना है तो उसको कृषि पर ही अपना फोकस करना पड़ेगा, और कृषि को बचाने के लिए सरकार को जो है जंगली जानवरों के लिए कोई ठोस रणनीति अपनानी होगी। प्रत्येक गांव में, अपने गांव की बात नहीं करो, प्रत्येक गांव के लिए, क्योंकि आज पूरा पहाड़ में समस्या, पूरी पहाड़ में सबसे बड़ी समस्या ये है। और बंदरों का हालत ये है कि बंदर तो आप घर में भी आ रहे हैं, लोगों पे भी अटैक, लोगों पे भी अटैक कर रहे हो, ये समस्या आप देख रहे हो। गांव में प्याज लहसुन लोगों ने इतना लगा रखा है, लेकिन जब घर में कोई नहीं तो वो आगे सब बर्बाद कर देते हैं। जी जी, आप गाँव पे कते लोग पलायन हुई? 20-25 परिवार आप? हाँ, 36, लगभग 36 परिवार पलायन। जी, आप इससे पहले शायद इंडियन आर्मी का हिस्सा भी रही? वो ना, मैं तो घर में रहा। अच्छा। इससे पहले मैं प्राइवेट नौकरी पर रही दिल्ली में, 8 साल वक्त नौकरी करी मैं। जी, और फिर 2003 में घर आना पड़, क्योंकि 2003 में भी गाँव वाले घर वाले निर्विरोध प्रधान घोषित कर जाए। अच्छा अच्छा, तो तब से, तब बटे लेकर अभी भी समाज सेवा से जुड़े हैं आप? समाज सेवा से जुड़े। जी, बस हम दगड़ा लोग हवलदार सुबेदार बन के घर आए, तो हम चलो जनता के बीच में जैसा भी हो रहा है। जी जी, तो प्रयास कर रहे हैं कि भाई अपना कार्यकाल जितना भी हो सकता है, लोगों का कार्य हो जितना भी हो सकता है, जिस विभाग से भी हो सकता है, थोड़ा बहुत बजट ला करके गाँव में जो है कुछ कार्य किया जाए बस। जी, और जो लोग पहाड़ बटिन शहरों में जाने, उनते आप क्या संदेश दें? चल पहाड़ों बटिन शहर में जाने और लोगों को हम क्या संदेश दें उन्होंने? भाई ऐसा है, अधिकार सबका है, कोई कहीं भी जा सकता है, हमारा तो संविधान में लिखा हुआ है। अब हम कुछ बोलेंगे तो वो बोलेंगे भैया वो हमारा अपना राइट है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मेरा बोलना ये है कि अगर पहाड़ खाली हो जाएंगे और सारा पलायन मैदानी क्षेत्रों में होगा, तो आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ा विकराल समस्या का रूप ले लेगा। अब आप देख रहे होंगे कि पहले हमारे देखे देखे जो है पशुपालन गाँव में पर्याप्त मात्रा में था, दूध घी की नदियाँ बहती थी गाँव में, हल के लिए बैल सबके पास होते थे। आज लोगों के पास पैसा हो गया, सुविधा संपन्न हो गए हैं, आप गाँव का सर्वे करेंगे तो सबसे बड़ी दुखद स्थिति यह है कि इतने बड़े हाइट में रहने के बाद भी, खांकर खेत की तलहटी में या इतने बड़े जंगलों के बीच में रहने के बाद भी, आज ये नौबत आई कि दूध बाजार से आ रहा है, थैली का दूध, और वो शुद्ध दूध नहीं है, वो सारा केमिकल का दूध है। जो आज नई नई बीमारियाँ बढ़ रही हैं, अचानक आदमी को कुछ भी हो जा रहा है, उसका महज कारण यही है कि जो बाज़ार पर आदमी ज़्यादा निर्भर हो गया है, उसका एकमात्र कारण है कोदा झंगोरा, जो हमारा पौष्टिक आहार था कौणी, वो तो कौणी तो लगभग खत्म हो गया है, वो तो बीजी गायब, वो तो बीजी गायब हो चुका है लगभग लगभग। और एक चना भी, चना चना, खैर चना तो हमारे यहाँ होता होगा, बहुत पहले हमने तो देखा नहीं, लेकिन कौणी कितना उसका, तो उसका तो खाजा होता था, खाजा बोलते थे ना, कूटते थे उसको, भूनते थे, उसके बाद कूटते थे, बहुत ही टेस्टी होता था। अब कोदा देखो आप लोग औने पौने भाव में लोग बेच दे रहे हैं, जबकि उसमें आयरन प्रचुर मात्रा में है, उसको खाने के लिए कोई राजी नहीं, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और एक ना एक दिन आने वाले कुछ साल बाद, 50-100 साल बाद, तो फिर पहाड़ों को ही खोदना पड़ेगा, क्योंकि प्लेन तो पूरा पट गया है सड़कों से, बिल्डिंगों से, तो खेती कहाँ करेगा आदमी? सही बात है भाई, अगर अन्न खाना है तो वो तो फैक्ट्री में पैदा नहीं होगा, गेहूँ चावल तो फैक्ट्री में नहीं बन सकता, प्लास्टिक का चावल बनेगा, आदमी मरेगा, बीमार होगा। लेकिन अगर अन्न खाना है तो धरती का सीना फाड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और वापस गांव में आकर गांव की तरफ। कोरोना काल में आपने देखा होगा कैसे कैसे लोग घर आ गए, घर में तो लोगों को इतनी वो थोड़ी हुई जितना प्लेन में हाहाकार हुआ, यहाँ तो लोगों ने जिसके पास बेचारे गाय भैंस जिसकी दूध देती थी, अपना छाँ छोला वो छाँ सारे गांव में बांट दे, भाई बनाओ कड़ी बनाओ, क्या दिक्कत आ रही तो ये साग सब्जी अपनी सब कुछ अपना है। यहाँ आदमी प्लेन में क्या है, सुबह उठाया जेब से पैसा निकाला, बाल्टी पकड़ी, भाई दूध लेने चलो, शाम को फिर जेब भरी, चलो भाई सब्जी लेने चलो। लेकिन गांव में अभी तक वो हालात नहीं है, अगर गांव वाले मेहनत करें तो सब कुछ होता है गांव में, ऐसा नहीं है कि गांव में कुछ नहीं है, लेकिन जो पलायन कर चुके हैं भाई उनकी इच्छा, हम किसी को रोक भी नहीं सकते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, धन्यवाद। Yeah.
दादा ने।